वेलकम दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से। इस वक्त तमिलनाडु ने NRC और NPR पर रेजोल्यूशन लेने का फैसला किया है। जी हाँ, कल बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अपने बयान में NRC और NPR की बात छेड़ते हुए उस पर रेजोल्यूशन पास किया था। 1 अप्रैल से होने वाले NPR के रूल्स और कानून के मुताबिक कुछ 7 से 8 सवालों को उन्होंने अपने फॉर्म में एड ऑन किया था। उस पर नीतीश कुमार ने अपने बयान में कहा कि हम वो 7 से 8 सवाल हटा देंगे, लेकिन NPR लागू होगा जैसे 2010 में हुआ था। उसी तरीके का बयान अब तमिलनाडु की तरफ से भी आ रहा है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने यह बयान देते हुए कहा कि वो भी नीतीश कुमार की तरह जैसा बिहार में NRC और NPR पर रेजोल्यूशन पास किया है, हम भी इस पे चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि तमिलनाडु भी NRC और NPR पर रेजोल्यूशन पास करेगा जैसे बिहार ने पास किया। आप लोगों से हमारे चैनल की तरफ से दरख्वास्त है कि अगर आप में से कुछ लोग दिल्ली वायलेंस के बारे में जानते हैं और उन विक्टिम फैमिलीज की मदद करना चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में डोनेशन के लिए आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप में से कुछ लोग डोनेट करना चाहते हैं तो वहां से डोनेट कर सकते हैं, ये पैसा सीधा उन लोगों की मदद के लिए होगा। बाकी तमिलनाडु की खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको लगता है कि उस बयान से वो सच में NRC और NPR पर रेजोल्यूशन पास करेंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।